नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान किए जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस क्रम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी को लेकर सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। यूपी के स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तिथियों के लिए अंतरविभागीय समन्वय से अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पर भी मीटिंगें की जा चुकी हैं, सबको लक्ष्य दिए जा चुके हैं। चूंकि एक ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐसे में सुरक्षा के दौरान कोई चूक न हो, इसके लिए ह्यूमन तथा टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाएगा तथा अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय बना के सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सर, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी प्रोग्राम और प्रोग्राम के बाद भी? जहां तक श्राइन की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा का अयोध्या में प्रश्न है, वो हमारी जो SSF की नई इकाइयां हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो लोग वहां व्यवस्थापित हो चुके हैं। और श्राइन की सुरक्षा एक कार्य योजना के तहत होती है जिसमें SSF तथा स्थानीय पुलिस दोनों लोग वहां लगाए जाएंगे। और श्राइन के अतिरिक्त जो वहाँ आसपास के जो एरिया है जिसको येलो जोन कहा जाता है, उसमें भी काफ़ी पुलिस बल का व्यवस्थापन होता है। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मंदिरें हैं और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी हम पूरी कार्य योजना के तहत ही संपन्न कराएंगे। और महत्वपूर्ण तिथियों पे जो हमारी नदियाँ हैं, नदियों पर प्रॉपर पेट्रोलिंग होगी तथा इसके अतिरिक्त जो भी आने जाने वाले अयोध्या जी के रास्ते हैं और जनपद हैं वहाँ भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। सर, ऐसे होगा प्रोग्राम जो, क्योंकि 22 जनवरी को सबसे बड़ा प्रोग्राम है, उससे पहले या जो लोग आएंगे उसमें वेरिफिकेशन वगैरह क्या हो रहेगा प्रोसीजर? उस संबंध में अयोध्या प्रशासन के द्वारा वहाँ श्राइन के आसपास के जितने भी मंदिर है, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, धर्मशालाएं हैं, इन सभी जगह पे एक प्रॉपर सेंसस कराया जा रहा है और सभी धर्म गुरुओं के साथ बात करके और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके ये चर्चा की जा रही है कि उस दौरान कोई भी अवांछनीय व्यक्ति वहाँ मौजूद न रहे।